आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीन कंफ्यूजिंग वर्ड्स एवा, नेवा और नथिंग के बारे में जानेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या होता है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की लेसन की शुरुआत करते हैं। एवा का मतलब होता है कभी या कभी भी, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली एवा का इस्तेमाल हम इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में करते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो क्या आप कभी भी आगरा गए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Have you ever gone to Agra? यहाँ कभी या कभी भी के लिए मैंने बोला ever। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ever का यूज आप मेन वर्ब के पहले करेंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने एवा को मेन वर्ब के पहले लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के जगह पर आप ये भी कह सकते हैं हैव यू बीन टू आगरा, यानी आप गॉन टू के जगह पर बीन टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दोनों का मतलब होगा क्या आप कभी आगरा गए हैं। हो सकता है कि आप हैव बीन टू, हैज बीन टू या हैड बीन टू को लेकर कंफ्यूज रहते हो, तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है जिसे मैंने आई के सिंबल में रखा है। तो अगर आप हैव बीन टू या हैड बीन टू को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप इस लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो सके। क्या आपने कभी पबजी खेला है या क्या आपने कभी भी पबजी खेला है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हैव यू एवर प्लेड पबजी, यानी क्या आपने कभी पबजी खेला है या क्या आपने कभी भी पबजी खेला है। क्या आप यहाँ कभी आए हैं या क्या आप यहाँ कभी भी आए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हैव यू एवर कम हियर, यानी क्या आप यहाँ पर कभी आए हैं। क्या वह कभी आपकी मदद किया है या क्या वह कभी भी आपकी मदद किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हैज ही एवर हेल्प्ड यू, यानी क्या वह आपकी कभी मदद किया है या क्या वह आपकी कभी भी मदद किया है। आइए अब नेवा का कंसेप्ट सीखते हैं। नेवा का मतलब होता है कभी नहीं, यानी एवा प्लस नॉट, और ये एक ऐसा वर्ड है जो मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। यानी एवा के जैसा आप नेवर को भी मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आईफोन कभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नेवर यूज्ड एन आईफोन, यानी मैंने एक आईफोन कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई। मैंने कभी भी स्मोक नहीं किया है, आई हैव नेवर स्मोक्ड। आप कभी भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, यू हैव नेवर लाइक्ड माई वीडियो। आप कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किए हैं, यू हैव नेवर सपोर्टेड मी। अगर आपको कहना हो कि वह यहाँ कभी नहीं आया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज नेवर कम हियर, वह वहाँ कभी नहीं गया है, ही हैज नेवर गॉन देयर। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, यानी नॉट प्लस एवर, और ये वर्ड मेन वर्ब के पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। आइए फ्रेंड्स, लास्ट में देखें कि नथिंग का क्या इस्तेमाल है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, और यह एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम मेन वर्ब के बाद करते हैं, यानी यह नेवा और एवर से थोड़ा हटकर है। जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं, एवा और नेवा का यूज आप मेन वर्ब के पहले करेंगे, लेकिन नथिंग के साथ ऐसा नहीं है। नथिंग का यूज आप मेन वर्ब के बाद में करेंगे। कैसे करेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। मैंने कुछ नहीं देखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव सीन नथिंग, यानी मैंने कुछ नहीं देखा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसे मैंने आपको पार्ट 9 में अच्छा से सिखाया कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट क्या है। मैंने कुछ नहीं खाया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव ईटन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव डन नथिंग। अगर आपको कहना हो कि वह कुछ नहीं लिखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज रिटेन नथिंग, वह कुछ नहीं खरीदा है, ही हैज बॉट नथिंग। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि मैंने वर्ड नथिंग का यूज मेन वर्ब के बाद किया, क्योंकि नथिंग का यूज आप मेन वर्ब के बाद ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इन सभी कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यह मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।